मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जिले में प्रशिक्षण कराने के आदेश को लेकर जिला शिक्षा विभाग द्वारा FLN प्रशिक्षण ईशानगर विकासखंड के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को 8 MTO द्वारा प्रशिक्षण 4 विषयों पर हिंदी अंग्रेजी गणित एवं पर्यावरण अध्ययन टीचरों को दिया जा रहा है। जहां आज छतरपुर महोबा रोड स्थित एक निजी विद्यालय की बिल्डिंग में 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। जहाँ बुधवार को प्रशिक्षण के दौरान कई खामियां देखने को मिली, जैसे कि प्रशिक्षण प्रतिभागी पुस्तिका को लेकर मासूम बच्चों द्वारा क्लासरूम तक पहुंचाया जा रहा एवं क्लासरूम में बैठी शिक्षक व शिक्षिकाओं द्वारा पैर फैला के बैठे नजर आए, जबकि आज का प्रशिक्षण डिजिटली प्रोजेक्टर के तहत देना था पर डिजिटली नहीं किया गया। तो वहीं ट्रेनिंग प्रभारी BAC सुनीता प्रजापति नदारद दिखी। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए BRC के अग्निहोत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा FLN ट्रेनिंग के निर्देश मिले थे, तो ईशानगर विकासखंड के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को भी 5 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं 4 कमरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 160 शिक्षक शिक्षिकाओं को 8 MTO द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज आप कहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस विषय की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? सर, मैं यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला बहादुरीपुरवा से MT के रूप में यहाँ ट्रेनिंग देने आया हूँ। सर, यहाँ पर व्यवस्थाएँ तो सर लगभग ठीक ठाक हैं, और सर थोड़ी सी दिक्कत यही है कि जैसे सभी लोगों से बार बार कहना पड़ रहा है कि अपने स्थान पर बैठें, शिक्षक इधर उधर घूमते हैं, तो सर उसमें हम लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड सभी लोगों को सपोर्ट मिल जाए, शिक्षक बैठे, बाकी तो सर व्यवस्थाएं तो आज का प्रशिक्षण डिजिटली होना चाहिए था जी। डिजिटली ना होके आप प्रोजेक्टर यहाँ रखे हैं, लैपटॉप मौजूद नहीं है, इसमें किसकी लापरवाही है? क्योंकि आप ट्रेनर है, आपको व्यवस्था नहीं मिली तो आप ट्रेनिंग। ये तो सर हम सभी MTO ने कहा कि प्रोजेक्टर लगाएं, तो लगा रहा सर, पिछले बैच में लगा रहा, लेकिन नहीं लगा रहा एक भी, अगर लगा था तो लैपटॉप का। पिछले बैच में तो सर मैंने खुद दिया, ऐसा नहीं है, मैंने चारों कमरों में जहाँ जहाँ मैं गया मेरे साथ में प्रोजेक्टर रहा, और हमारे अम्बका प्रजापति जी उसको चलाते रहे, ऐसा भी नहीं है। एक दिन CAC हमारे गोस्वामी जी, और एक दो दिन हमारे अम्बका प्रजापति जी, और एक दिन भाई एक और थे उनको पढ़ चढ़ दिया, पिछले बैच में तो प्रोजेक्टर चला है मेरे कमरे में, चला सर मुझे और किसी से पता। सुनीता प्रजापति जी प्रभारी है यहाँ की जी, ना वो सुबह से मौजूद रही, उस पे आप क्या कहेंगे? उनकी अगर मौजूद होती तो ये लापरवाहियाँ ना होती, नहीं मौजूद रही इस वजह से कुछ लापरवाहियाँ हो रही। अब सर ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो किस कारण से उपस्थित नहीं होता है, और वो तो सर अगर वो मौजूद होती तो लापरवाहियाँ नहीं होती ना, जी, 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 तो जब मौजूद नहीं थी इस वजह से लापरवाही। अभी आपके सामने हमने प्रोजेक्टर देखा जिसमें से 3 प्रोजेक्टर यहीं रखे हैं, लैपटॉप के अभाव से डिजिटली नहीं हो पाया आपका नहीं चला वो तो सर हम लोग सब लोग तो ये गलत है ना। हाँ सर बिल्कुल, उसमें तो कोई भी कह देगा सर, मैं क्या किसी से भी कुछ ना, जो जितने भी MT हैं वो भी कह देंगे सर आज नहीं चला। क्लासों में हम गए हैं, टीचर पैर फैला के बैठे हुए हैं, महिला टीचर भी बैठी हुई हैं, तो ऐसे कैसे प्रशिक्षण चलेगा? नहीं सर वो क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम टीचरों की है, जैसे हमारे कक्ष में 3 टीचर ऐसे बैठे हैं, वो उनके पैर में बस कुछ सर फ्रैक्चर है, तो हमने उनसे कहा भैया जैसे तुम्हें सुविधा हो वैसे बैठे, बाकी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जैसे एक दो टीचर की बात नहीं, कई क्लासों में मैं 4 क्लासों में लगा था, और एक सर मैं अपनी क्लास की सर जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पर्यावरण का टीचर MT हूँ। एक दिनेश अग्रवाल जी टीचर हैं जी, उन्होंने 2 बच्चों से ट्रेनिंग की जो बुकें थी उनको लेकर पीछे पीछे चलते हुए नजर आए, उस पर आप कहते हैं? वो सर उनसे संपर्क करिए, उन्होंने ऐसा किया तो सर गलत है सर, वो कोई चपरासी की हेल्प ले लेते या टीचर की ले सकते थे जी। हाँ टीचर का प्रशिक्षण टीचर भी ले सकते, मगर स्कूली ड्रेस में बच्चों के साथ अगर ऐसा है सर, वो मासूम बच्चे थे जी, मैं सर उनसे संपर्क करके आप ही बता पाएंगे सर, आप मुझे लेना, उन्होंने ऐसी गलती की तो उनको हमारे भ्रष्ट अधिकारी उनसे संपर्क करके बात चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर ईशानगर मथुरा, निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अपरा क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थ्रोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णनगर, मथुरा।